नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो एक साइटोकाइन जो एक स्ट्रोम है उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा क्या कहते हैं टॉपिक है, यूं कहूंगा एग्जाम परस्पेक्टिव ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बच्चे ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझाइएगा, और यकीनन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे पेपर के लिए। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था उस बच्चे का मुझसे यही था कि तो क्या कोरोना के मरीज साइटोकाइन की वजह से मर रहे हैं क्या। मैंने उसी को ही आज जो है वो हेडिंग बनाया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, पूछने लायक है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च सामने आ रही है कि साइटोकाइन की वजह से लोग जो मर रहे हैं। तो हम जानेंगे इसी वीडियो लेक्चर सीरीज में कि क्या होता है ये साइटोकाइन, और लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे कि कोरोना वायरस के ऊपर क्या चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पर्टिकुलर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सुनील स्टार सर को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। बिना स्पेस दिए आप सुनील स्टार सर जो है वो लिखेंगे तो आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल वहां पर मिल जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं ये डिस्कस कर देना चाहता हूं कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस कितने हैं आज की तारीख तक। तो आज की तारीख तक दुनिया भर में जो है वो 15.5 लाख कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं, और लगभग 90,000 के आसपास जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं इस कोरोना वायरस से। दुनिया में नंबर वन अमेरिका है, जहां पे 4,34,000 से भी ज्यादा लोग, या 4,35,000 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस के, और 15,000 के आसपास लोग मर चुके हैं। स्पेन जो है, स्पेन के पास भी लगभग 15,000 के आसपास ही लोग जो है मर चुके हैं, 1.5 लाख के आसपास पॉजिटिव मरीज हैं। फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस, चाइना काफी स्टेबल हो गया है पहले के मुकाबले अब। और हमारे प्यारे भारत की बात करता हूं तो भारत की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। लगभग 6,500 केसेस होने जा रहे हैं, 186 लोग जो है वो मर चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, हमारे हरियाणा के अंदर जो है वो नू के अंदर सबसे ज्यादा केसेस है, ठीक है। नू के अंदर कंफर्म्ड केसेस जो है वो 38 है आज की तारीख तक। चलिए, सबसे पहली बात तो है आपको मैं न्यूज के बारे में बता देता हूं। काफी सारे न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल्स ये लिख रहे हैं कि द कोरोना वायरस टर्न्स डेडली व्हेन इट लीड्स टू साइटोकाइन स्ट्रोम। एक तो न्यूज चैनल ये लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस का एक सबसे बड़ा घातक चेहरा है साइटोकाइन स्ट्रोम। अच्छा, द लैंसेट की रिपोर्ट, ये आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको लैंसेट की रिपोर्ट मिल जाएगी आसानी से। उन्होंने भी कहा है क्या कि साइटोकाइन स्ट्रोम जो है इस की वजह से लोग जो है वो मर रहे हैं, क्योंकि ये इम्यूनिटी सिस्टम को ब्रेक कर देता है। और वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी ऐसे ही कहा गया, चाइना में भी इसके बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। डिफरेंट न्यूज चैनल, एनडीटीवी का भी यही कहना है, और काफी न्यूज चैनल कह रहे हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो कमजोर कर देता है। न्यूयॉर्क टाइम्स का भी ये कहना है कि अब तक लोग जो मरे हैं वो कोरोना वायरस की वजह से नहीं मरे हैं, उनको उनके इम्यून सिस्टम ने ही खत्म कर दिया है। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सीधे या साफ शब्दों में अब इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, होता क्या है बेसिकली कोरोना वायरस के दौरान, क्या होता है कोरोना वायरस इफेक्ट करता है हमारे इस गले को, या हमारे इफेक्ट करता है इन फेफड़ों को, दो ही चीजों को इफेक्ट करता है मेनली ये, ठीक है। मैंने रिसेंटली आपको एक टॉपिक पढ़ाया था कि कोरोना वायरस के टेस्ट कैसे होते हैं, तो उसमें मैंने आपको कई सारे टेस्ट बताए थे। तो कोरोना वायरस के टेस्ट भी ऐसे ही होते हैं, या तो मुंह से लार ली जाती है, या गले के अंदर, थ्रोट के अंदर एक ट्रेंचल एस्पिरेट टेस्ट होता है, गले के अंदर ऐसे ट्यूब सी डाली जाती है तो फेफड़ों से म्यूकस वगैरह जो है वो कलेक्ट करके पता लगाया जाता है। नॉर्मल ब्लड टेस्ट से इसका जनरली पता नहीं लगता है। तो अभी ये आपका जो साइटोकाइन आपका स्ट्रोम है, या साइटोकाइन वर्ड जो है वो भी इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, यहीं पे ही जो है इफेक्ट डाल रहा है ये सबसे ज्यादा। अब ये पूरा मामला क्या है मैं आपको ये थोड़ा सा समझा ही देता हूं, कंप्लीट करता हूं इस बात को कि देखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम है, उसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से पुकारते हैं, ठीक है, इम्यून सिस्टम, या इसको आप प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से जो है वो कहा करते हैं। अब ये इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है हमारी बॉडी के अंदर,
इम्यून सिस्टम ऐसे काम करता है कि जैसे ही मान लेते हैं कि हमारी शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का बैक्टीरिया आता है या कोई वायरस आता है, तो तुरंत जो है हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो जाग जाता है और उनके खिलाफ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिएगा कि अभी पुलिस वाले बाहर घूम रहे हैं, मतलब जैसे पहरा दे रहे हैं, और जैसे आप घर से बाहर निकलेंगे तो वो क्या हालत करते हैं वो तो आपको अच्छे से पता ही है। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम करता है। जैसे ही कोई बाहर से बैक्टीरिया है, फंगस है या कोई फ्लू है, कुछ भी बाहर से अगर अटैक करता है तो ये जो है ये एक्टिवेट हो जाता है और वो उनको मार गिराता है। उन सभी में सबसे जरूरी जो रोल निभाता है वो रोल निभाता है WBC। WBC को आप व्हाइट ब्लड कार्पल्स या व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, ल्यूकोसाइट के नाम से भी इन्हें पुकारा जाता है और आपने बायोलॉजी में इन्हें बहुत बार पढ़ा भी होगा। इनका लाइफ टाइम कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 दिन होता है, वैसे ये 4-5 दिन ही जीते हैं आइडियल कंडीशन में, होती भी काफी कम है। WBC और RBC का रेशियो 600:1 ही होता है, मतलब RBC हमारी बॉडी के अंदर जो होती है जो रेड ब्लड सेल्स होती है और तकरीबन 4 से 5 मिलियन के आसपास जो है वो होती है, या 5 मिलियन से भी ऊपर 5-5.5 मिलियन के आसपास होती है, 1 मिलियन में 10 लाख 50-55 लाख के आसपास RBC होती है, जबकि WBC हमारे शरीर में 10 से 11 हजार ही पाई जाती है, पर ML की बात हो रही है यहाँ पे। ये अब ये WBC क्या करती है, प्रतिरक्षा है, ये टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, हर प्रकार की बीमारी से लड़ने में मदद करता है WBC हमारा। ये तो हुई बात हमारी WBC की, हमारे इम्यून सिस्टम की। अब इन सभी के अंदर क्या होता है, बॉडी का खुद का इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज्यादा एक टाइप का इफेक्टिव वेपन है। और लोग अभी एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले कि लोग बिना दवाई के ठीक कैसे हो रहे हैं, तो दवाई के बिना ठीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शरीर के अंदर उनका खुद का एक बहुत ही मजबूत हथियार है जो COVID-19 बीमारी से लड़ने में मदद कर रहा है, वो हमारा खुद का ही जो है वो इम्यून सिस्टम है, यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र है। ये क्या करते हैं, खुद के अंदर एक छोटी सी आर्मी बना लेते हैं और खुद ऐसे सेल्स होते हैं जो इन्फेक्शन के खिलाफ अटैक करते हैं, लड़ते हैं और इन्फेक्शन को ठीक कर रहे हैं, एंटीबॉडीज क्रिएट हो जाती है। अभी देखो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये एक नया वायरस है, फिलहाल के लिए शरीर समझ ही नहीं पा रहा कि एकदम से आ कैसे गया, वो टाइड वाली ऐड है कि चौंक गए, हाँ ऐसा शरीर हमारा बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है कि यार एकदम से ये वायरस आया कहां से। जैसे जुखाम होता है, जुखाम तो नॉर्मल है, जुखाम भी एक वायरस है, राइनो वायरस की वजह से होता है, लेकिन जुखाम हुआ तो ठीक भी हो जाता है क्योंकि शरीर को पता लग गया कि चलो ये तो छोटी मोटी चीज है, इसको कैसे टैकल करना है, लेकिन इसको समझ ही नहीं पा रहा है अभी मतलब हमारा शरीर की एक्चुअल में कैसा वायरस है, ये मल्टीपल टाइप वायरस है। हालांकि एंटीबॉडीज बन रही है धीरे धीरे, ठीक है, इन फ्यूचर अगर कभी ये कोरोना वायरस चीजें कोई होती है, अभी रुक के या 10 साल बाद में होती भी है कभी, तो इतना ये बड़ा इशू नहीं होगा, अपने आप ही घर पे ठीक हो जाएगा बेसिक इंजेक्शन वगैरह से ही, ये हमारे शरीर क्योंकि एंटीबॉडीज प्रिपेयर कर चुका होगा। तब तक हमारे शरीर में किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए जो है लॉट ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो है जनरेट होते हैं, और वही टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो है उन्हीं जो क्या कहते हैं वायरस वगैरह चीजों का वो डैमेज कर देते हैं। ऐसा कई बार क्या होता है, ओवर फ्लो हो जाता है, उस केसेस में हमें जो है बुखार वगैरह या कई ऐसे सारे सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं। जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी बीमारी से लड़ने की कोशिश में फंस जाती है तो साइटोकाइन जो है वो तूफान स्ट्रोम आता है। अब मैं इसके बारे में आपको पहले समझाता हूं, सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं कि साइटोकाइन खुद क्या होता है। बेसिकली देखो साइटोकाइन प्रोड्यूस किए जाते हैं हमारे सेल के द्वारा, हमारी कोशिका है, कोशिका में कौन कौन सी बता रहा हूं मैं, एक तो WBC होती है और एक होती है RBC, इनके द्वारा खुद के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या करते हैं ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का काम किया करते हैं। क्या कम्युनिकेशन, जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, इस सेल को पर्टिकुलर क्या काम करना है, ठीक है, या आगे क्या काम इसको दूसरी को कह के करवाना है, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का काम जो है वो साइटोकाइंस का हुआ करता है। बेसिकली कम्युनिकेशन टाइप की सेल्स होती है और ये बहुत सारे ग्रुप्स मिलके साइटोकाइंस बन जाता है एक सारा, और ये काफी छोटे होते हैं आपके, और ये क्या काम करना है बॉडी के अंदर, कैसे काम करना है, ये साइटोकाइन का काम होता है। या मैं यूं कह सकता हूं कि साइटोकाइन जो है ये मेनली WBC की हेल्प करती है, WBC की मदद करने के लिए। जैसे मान लेते हैं किसी कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई सेना है, तो वो अकेला राजा तो नहीं लड़ सकता, ठीक है, राजा मान लेते हैं WBC, लेकिन उसकी प्रजा या उसकी थोड़ी सेना जो है ना वो आपके साइटोकाइन है, तो ये मतलब WBC के साथ में एक हेल्पफुल सेल इसे कह सकते हैं, हेल्प का काम किया करता है आपका जो ये साइटोकाइन है।
या इसे आप एक इस भाषा में कह सकते हैं कि मैसेंजर्स होते हैं, आपके सिग्नल्स को, कम्युनिकेशंस को इधर से उधर जो है, मैसेज को जो है वो कन्वे किया करते हैं ये, ठीक है। तो यही होते हैं साइटोकाइन, बेसिकली आपके साइटोकाइन आर द ग्रुप ऑफ द प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स का ग्रुप होते हैं जो इम्यून सिस्टम को बनाते हैं और केमिकली मैसेंजर्स कहलाते हैं ये आपके, इस टाइप के होते हैं दिखने में साइटोकाइंस। हालांकि इनका कोई पर्टिकुलर शेप है नहीं, ठीक है, ये बहुत छोटे 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 दिख रहे हैं, एक तो जूम करके दिखा रखा है, इनका कोई पर्टिकुलर शेप है नहीं, ठीक है, कुछ जगह इनको ऐसे दिखाया गया है, कुछ जगह इनको ऐसे दिखाया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं ये साइटोकाइंस। ये हमारी बॉडी में देखो हर रोज ट्रिलियंस ऑफ सेल जो है वो बनते हैं, जो कि हमारी बॉडी की बेसिक्स यूनिट है, और ये बहुत सारे जरूरी इंफॉर्मेशन फंक्शन को इधर से उधर ले जाने में जो है वो मदद करते हैं, कम्युनिकेशन करवाने का काम करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। साइटोकाइन का काम सिग्नलिंग का हो ही गया आपका। अब ये तो बात सारी ठीक है, सिग्नलिंग वगैरह देते हैं ये और डिफाइन कर रहे हैं, ये सारी बात ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बीमारी या प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो तब होती है कि इनका ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इनका ओवर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इस ओवर प्रोडक्शन की वजह से देखो ओवर प्रोडक्शन होता ही क्यों है, मैं पहले तो ये समझाता हूं आपको। देखिए मान लेते हैं कि नया वायरस आया, जैसे कोरोना वायरस नया आया, अब बॉडी को पता ही नहीं है कि यार ये हो क्या रहा है, तो आप बॉडी के अंदर से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट सेल आएंगे मदद करने के लिए। जैसे आपने एग्जांपल से देखा होगा, अभी रामायण चल रही है, रावण का वध होगा, ठीक है, या आपने पहले भी कभी देखा होगा तो भगवान राम ने एक बाण चलाया, उसका एक सर टूट गया, लेकिन फिर दोबारा बाण चलाए, बाणों पे बाण चलाते गए, मतलब बहुत सारे हथकंडे अपनाए, तब जाके रावण का जो है वो वध हुआ था। या हमारे घर में मान लेते हैं, या मतलब कोई राक्षस आ जाता है एग्जांपल से, उसको आप मारने लगोगे, तो आप जितनी मतलब कोशिश कर सकते हो, जो जो आप हथकंडे अपना सकते हो अपनाओगे। तो अभी हमारी बॉडी भी यूं ही कर रही है, वायरस को पहचान ही नहीं पा रही कि एक्चुअल में क्या है, कैसा वायरस है ये, और ये इतनी तेजी से जो है हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है, तो एकदम से बहुत सारे साइटोकाइन प्रोड्यूस होंगे। तो इतने सारे साइटोकाइन प्रोड्यूस होने की वजह से ही ये साइटोकाइन का तूफान आता है, जिसे साइटोकाइन स्ट्रोम के नाम से पुकारा गया है। जैसे ही साइटोकाइन स्ट्रोम आएगा तो हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन होएगा, दर्द महसूस होएगा हमें बहुत ज्यादा, ठीक है, जैसे दिल का दौरा टाइप से पड़ता है, बीपी एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है, चक्कर आने लग सकते हैं, ठीक है, और पसीना आ जाएगा, और मतलब दर्द इतना ज्यादा होगा जिसका कोई अंदाजा नहीं है। कई बार उसी दर्द की वजह से ही जो लोग हैं वो मर जाते हैं, ऐसा देखा गया है। तो साइटोकाइन कुछ इस टाइप का जो है बॉडी में फील करवाते हैं। ऐसा है भी नहीं कि साइटोकाइन की वजह से ही लोग मरे हैं, मतलब साइटोकाइन की वजह से ठीक भी हो जाते हैं, काफी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है, ठीक है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि साइटोकाइन जो है ये मतलब अभी दुनिया में पहली बार ही हो रहा है। 2002-03 के दौरान जब सार्स का मामला था, सार्स ये कोरोना वायरस वगैरह आया था, उस टाइम भी देखने को मिला था, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारी पैंडेमिक में, जैसे H1N1 फ्लू था आपका 2005 में, उस दौरान भी साइटोकाइन के कई सारे केसेस देखने को मिले थे। ऐसा पक्का नहीं है कि साइटोकाइन अभी कोविड-19 जैसे कोरोना वायरस आया तभी जाके सामने आया है, ये मतलब साइटोकाइन तो किसी तरीके से भी हो सकता है, इससे मतलब लक्षण इसके और भी बहुत सारे, ऐसा नहीं कि फेफड़ों में साइटोकाइन होगा, इससे मतलब क्या हो सकता है कि सोजिश आ सकती है, कोई बुखार हो सकता है, चरम रोग टाइप से स्किन वगैरह डैमेज हो सकती है, या एकदम से स्वेलिंग आना भी एक काफी सारा पॉपुलर केस देखा गया है इसके अंदर। लेकिन अभी जो मतलब चाइना और यूरोप है उसके अंदर काफी सारे पेशेंट है वो साइटोकाइन की वजह से जो है वो मरे भी हैं, इस साइटोकाइन स्ट्रॉम की वजह से जो है वो मरे भी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मन में ये आता है कि इसके लिए पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, फिर इसके लिए मतलब ठीक होने के लिए ट्रीटमेंट क्या है। वैसे देखो कोई खास एक ट्रीटमेंट है नहीं, लेकिन कुछ एक दवाइयां हैं जो इसको रिड्यूस कर सकती है। हॉल की एक रिपोर्ट है, उनका ये कहना है कि जो ये साइटोकाइन स्ट्रॉम है ये एक आर्थराइटिस जैसे होता है, गठिया बाव जैसा है, इस टाइप से एक एक्सीडेंटली अटैक करता है बॉडी के अंदर, गठिया जैसे रोग भी करवा सकता है, कहने का मतलब ये है। इसके लिए जो दवाई है वो बेसिकली एक दवाई है आपकी इंटरल्यूकिन 6, ये एक मेडिसिन है जो फ्रांस और चाइना के अंदर इस पे पेशेंट्स पे जो है इस पे अप्लाई की जा रही है, इवन न्यूयॉर्क में भी अप्लाई की जा रही है। ग्रीफन्स ने कहा है कि इससे जो है वो ठीक किया जा सकता है या इस साइटोकाइन स्ट्रॉम को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइटोकाइन स्ट्रॉम जो है इससे 100% रुक जाएगा या ये दवाई हर किसी के लिए होगी, ठीक है। ये दवाई बेसिकली करती क्या है,
टी टाइप का सेल होता है, जो बेसिकली हमारा एचआईवी वायरस जो होता है वो टी सेल पे ही अटैक करता है, ठीक है। तो टी सेल को थोड़ा सा स्ट्रांग करवा देता है, मतलब इम्यून सिस्टम को थोड़ा स्ट्रांग कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है 100% कि इससे जो है वो लोग मरेंगे नहीं, इसको ले लिया तो, या इससे कम हमारा जो सिस्टम है इम्यून सिस्टम वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। लोग साइटोकाइन स्ट्रॉम की वजह से मर रहे हैं, या इससे अलावा लोग वैसे भी बहुत मर रहे हैं, जैसे उनको कोई और बीमारी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई 85 ईयर का कोई व्यक्ति है, उसको हाइपर टेंशन या डायबिटीज जैसी बीमारी है, तो उसको ये दवाई कोई काम करने ही नहीं वाली है, ठीक है। तो वो हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से नहीं मरा, वो अपने इम्यून सिस्टम के खराब होने की वजह से ही मरा है। और फाइनली वहां ये रिपोर्ट या ये टेस्टिंग जो सारी कह रही है, इनका ये कहना है कि हम इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं जैसे अंधे होके हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, पता नहीं रोड कहाँ है, गाड़ी कहाँ है, हम कहाँ है, ठीक है, हम टेस्ट कर रहे हैं और पता नहीं ये किस हद तक ठीक है कि नहीं है। के अलावा दो दवाई और भी है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। और एक कंपनी का नाम है आपको मैं बताता हूं, इनसाइट, ठीक है, इनसाइट, ये अमेरिका की कंपनी है और नोवेटिस कंपनी है स्विट्जरलैंड की। इन दोनों ने मिलके एक दवाई तैयार कर रहे हैं जिसका नाम है जकावी, ठीक है, जकावी एक नाम की नई दवाई जो है तैयार कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि इस दवाई से जो है साइटोकाइन स्ट्रोम जो है इसको खत्म किया जा सके या इसको ठीक किया जा सके, पॉसिबल है, बस वही बात है। फाइनल रिपोर्ट तो यही कहती है कि हम अंधेरे में गाड़ी चला रहे हैं, रोड पता नहीं है, गाड़ी कहाँ है, ये कुछ नहीं पता। तो ये एक टॉपिक था आपका साइटोकाइन स्ट्रोम के बारे में, आपको समझाना था बेसिकली। तो आपको ये उम्मीद करता हूं ये लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है, आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एग्जाम परस्पेक्टिव टॉपिक आज का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा। इस टॉपिक का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सुनील स्टार सर टेलीग्राम चैनल पे जरूर जाके पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।